हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज भारती एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंस्पिरेशन गर्ल भारती। दिस इज माय सिस्टर आरती एंड आज हम लोग करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग सा चैलेंज जो कि है ज्योमेट्रिक सेफ फूड चैलेंज। जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं, इस बॉल में रखे हुए हैं कुछ चीट्स जिसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेप्स के नेम लिखे हुए हैं। फ्रेंड्स, इस चैलेंज में होने वाले हैं कुछ राउंड्स। हर एक राउंड में होगा कुछ अमेजिंग से टास्क जो हम दोनों को करने होंगे एंड जो भी उस टास्क को जीतेगा उसे मौका मिलेगा चीट सेलेक्ट करने का। एंड इस चीट्स में जो भी शेप के नेम लिखे हुए हैं उस शेप का हमें फूड खाना है। सो गाइस, आज का जो चैलेंज है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। एंड पता है आरती, इस चीट्स की खास बात क्या है? फ्रेंड्स, इस चीट्स की इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस चीट्स में उस शेप का नेम तो लिखा हुआ है लेकिन उस शेप के नेम के साथ उसका हिंदी नेम भी लिखा हुआ है एंड उसके साथ कुछ पहेलियां भी है। सो जिसे हमें सॉल्व करके उस शेप का नेम गेस करना है। सो फ्रेंड्स, अगर आप सभी गेस कर सकते हैं तो जरूर कीजिएगा एंड कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि आप सब ने कितने सारे शेप्स के नेम गेस किए। सो फ्रेंड्स, आज का जो चैलेंज है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो मेक श्योर कि आप इस इंटरेस्टिंग से चैलेंज को एंड तक देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के आज के अपने इस चैलेंज को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल इंस्पिरेशन गर्ल भारती को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, बारी है सबसे पहले फर्स्ट राउंड की एंड इस टास्क में हमारे पास है एक एक बलून जो हमें फुलाना है एंड हमें इस बलून को इतना 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 ज्यादा फुलाना है। अरे कहना क्या चाहते हो? कि ये फूट जाए एंड जिसका भी बलून सबसे पहले फूटेगा वो हो जाएगा इस टास्क का विनर एंड इसे मौका मिलेगा चीट सेलेक्ट करने का। स्वार्थी रेडी हो? यस। सो 3, 2, 1 स्टार्ट। Oh no! Bonk. लेकिन फिर भी मैंने फोड़ा। सो इस टास्क की विनर कौन है आरती? यानी फ्रेंड्स, इस टास्क की विनर मैं हूँ यानी मुझे मौका मिलेगा इन चीट्स को सेलेक्ट करने का सबसे पहले। तो चलिए मैं इन चीट्स को सेलेक्ट कर लेती हूँ। पता नहीं कौन सा शेप का आने वाला है मेरे पास फूड। सो आरती, तुम भी सेलेक्ट कर लो एक जो। सो फ्रेंड्स, हमने अपनी अपनी चीट सेलेक्ट कर ली है तो सबसे पहले मैं खोलती हूँ क्योंकि मैं जीती हूँ। इसके बाद अब मैं इसका जो अंदर वाला पहेली है वो पढ़ूंगी एंड अगर आप सभी गेस कर सकते हैं ये कि ये कौन सा शेप है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। सो पहेली है, मैं हूँ वर्ग, मैं हूँ वर्ग, देखो तुम मुझे अगर, मेरी भुजाएं हैं चार, मैं हूँ वर्ग, मैं हूँ वर्ग, कौन सा शेप है आरती? फ्रेंड्स, क्या आपने गेस कर पाया कि ये कौन सा शेप है? वर्ग यानी स्क्वायर। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं मुझे आया है स्क्वायर शेप। तो देखते हैं अब आरती की कौन सी पहेली है एंड उसे कौन सा शेप आता है। सो आरती, अपना चीट पढ़ो। मैं हूँ बेलन, मैं हूँ बेलन, दो
सिर का है मुझको जैसे मम्मी की बेलन, मैं हूँ बेलन, मैं हूँ बेलन। कौन सा सेफ है आरती? सिलेंडर। सो फ्रेंड्स, बेलन यानी सिलेंडर से पाया है आरती को एंड मुझे आया है स्क्वायर से। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि मेरे पास स्क्वायर में और आरती के पास सिलेंडर में कौन सा फूड आइटम आता है। सो फ्रेंड्स, हमारे पास हमारे फूड आइटम आ चुके हैं एंड आप लोग देख ही सकते हैं दोनों अभी टोकरे में हैं। ये इसकी मम्मी है एंड ये इसका बच्चा है, क्योंकि हमारे पास सेम टोकरी नहीं थी फ्रेंड्स, इसलिए हमने अलग अलग टोकरी ली। तो माइंड मत करना। सो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं हमारे पास कौन सा फूड आइटम आया है। सो 3, 2, 1 स्टार्ट। सो मेरे पास आया था फ्रेंड्स स्क्वायर, तो मेरे पास आया है ये टोस्ट, आप लोग देख ही सकते हैं जो कि स्क्वायर शेप का है। एंड आरती के पास आया था सिलेंडर और मेरे पास है कुरकुरे। तो गाइस, आरती के पास आया है सिलेंडर शेप में कुरकुरे एंड मेरे पास आया है ये स्क्वायर शेप में टोस्ट। सो मुझे टोस्ट पसंद है, कुरकुरे पसंद है। तो चलिए फ्रेंड्स हम अपना फूड आइटम खा लेते हैं। वैसे फ्रेंड्स देखा जाए तो ये जो चैलेंज है, मतलब ये जो राउंड है, वो हम दोनों के लिए अच्छा है ना? यस, क्योंकि हमारे पास उतना गंदा वाला भी फूड आइटम नहीं आया है। आगे एल्फर्ड हो गई फ्रेंड्स, मेरे पास टोस्ट तो आ गया है, काश चाय भी आ जाती तो गर्मा गर्म चाय के साथ बहुत मजा आता। आरती आरती तो इसे ऐसे ही खा सकती है, मैं आप तुमको दिखाती हूँ। इसे फ्रेंड्स हमने बाहर रख दिया था, तो आप देखिएगा अभी ये क्या हो चुका है, इसके सारी जो क्रंचीनेस है वो जा चुका है, ये बिल्कुल ये हो गया है। सो फ्रेंड्स, ये राउंड तो हम दोनों के लिए ही अच्छा रहा, किसी के लिए बुरा नहीं रहा। तो चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट राउंड में हमें क्या आता है एंड किसके लिए वो राउंड अच्छा होता है या फिर बुरा होता है। सो फ्रेंड्स, अब आ रही है सेकंड राउंड की एंड सेकंड राउंड में फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं, हमने ली है यहाँ पर 2 बॉटल। हमें सेम साइज की बॉटल नहीं मिली, इसलिए हमने अलग अलग साइज की बॉटल ले ली है एंड हमारे पास है यहाँ पर मम्मी की कुछ खन 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 करती हुई चूड़ियाँ जो हमें इस बॉटल में डालनी है एंड हम दोनों में से जो सबसे पहले इस बॉटल में चूड़ियों को डाल लेगा एंड जो सबसे ज्यादा डालेगा वो हो जाएगा इस टास्क का विनर। सो आरती क्या लगता है कौन जीतने वाला है? कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। सो फ्रेंड्स देखते हैं कि कौन जीतता है। 3, 2, 1 स्टार्ट। पंक। चुकी है जितने हमें डालनी थी एंड जितना भी हमसे डल पाया आप लोग देख ही सकते हैं एंड यहाँ पर कुछ चूड़ियाँ नहीं डली। स्वार्थी तुम इसे पहन लो। सो फ्रेंड्स चलिए हम लोग काउंट कर लेते हैं कि किसने जो है ज्यादा चूड़ियाँ इस बॉटल में डाली। सो पहले मैं अपना वाला काउंट करती हूँ। 11, 12, 13, 14, 15, 16. So friends, मैंने 24 चूड़ियों में से 16 चूड़ियाँ इस बॉटल में डाली। So अब देखते हैं आरती को अगर जीतना है तो उसे 17 चूड़ियाँ डालनी पड़ेगी। So देखते हैं कितनी डाली। मुझे तो नहीं लगता कि ये 17 होंगे, फिर भी देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Friends, आरती ने डाली 11 चूड़ियाँ एंड मैंने डाली 17 चूड़िया, यानी इस टास्क का विनर कौन है? सो फ्रेंड्स आज मेरा लकी डे है, आज मैं हर टास्क को जीतूंगी, चारों के चारों राउंड जीतूंगी, देखना मैं ही जीतूंगी। वो तो तुम जीती रही हो, तुम तो अभी से ही आ रही हो। सो फ्रेंड्स इस टास्क की भी विनर हूँ मैं, क्योंकि मैं मुझे जीतने की आदत सी हो गई है। फ्रेंड्स आप लोगों को बताया ना, मैं बहुत ही ज्यादा जीतती हूँ। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हल्का हंस। तो फ्रेंड्स मैं इस टास्क को जीत चुकी हूँ, सो मुझे मौका मिलेगा फिर से पहले चीट्स को सेलेक्ट करने का। तो चलिए हम अपना चीट्स जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं। सो मैंने चीट सेलेक्ट कर लिया है फ्रेंड्स, अब आरती की बारी।
जल्दी चीट सेलेक्ट करो। सो फ्रेंड्स, हमने अपना अपना चीट सेलेक्ट कर लिया है, तो सबसे पहले इस बार आरती को खोलने देते हैं एंड देखते हैं कि आरती का क्या आता है। एंड अगर आप इस पहले को गैस कर सकते हैं तो जरूर गैस कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, ये कौन सा है? अगर आपने गैस कर पाया तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो ये है ओवन। सो फ्रेंड्स, आरती को आया है ओवन शेप, तो चलिए अब मैं देखती हूँ कि मुझे कौन सा शेप आता है। और अपनी पहली पढ़ती हूँ, मैं हूँ त्रिभुज, मुझ में कोण है तीन, मेरी भुजाएं भी तीन, मैं हूँ त्रिभुज। सो फ्रेंड्स, क्या आपने गैस कर पाया कि ये कौन सा शेप है? फ्रेंड्स, त्रिभुज यानी ट्राइंगल। सो फ्रेंड्स, मेरे पास आया है ट्राइंगल, आरती के पास आया है ओवन। तो चलिए देखते हैं कि हमारे पास इस शेप में कौन सा फूड आइटम आता है। सो फ्रेंड्स, हमारे पास हमारा जो फूड आइटम है वो आ चुका है। सो अब देखते हैं कि हमारे पास कौन सा फूड आइटम आता है। 3, 2, 1 स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, मुझे आया था ट्राइंगल, जिसमें ये मेरे पास आया है ये ट्राइंगल शेप का ब्रेड। आप लोग देख ही सकते हैं, मम्मा ने बहुत ही अच्छी तरीके से हमें कट करके दिया है, ये देखिए। एंड आरती का आया है ओवन, जिसमें आया है चिप्स। सो मेरा लिए तो अच्छा है, वैसे मैं कभी से ब्रेड ही खा रही हूं। फर्स्ट राउंड में मैंने टोस्ट खाया, जो कि ब्रेड का ही प्रजाति का है। फर्स्ट राउंड में मैंने ये ब्रेड खाया। एंड आरती को मिला है ज्यादा कुरकुरी और चिप्स। इतनी इतनी पिस्ता, फर्स्ट राउंड में कुरकुरी आया और सेकंड राउंड में चिप्स। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं तो अपना खाती हूं। सो फ्रेंड्स, फाइनली काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद आरती का चिप्स जो है वो पक चुका है। एंड इसे भी कौन खा रहा है, यानी मैं ही हूं, मैं सब चीज में आगे रहती हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपना जो फूड आइटम है वो एंजॉय करते हैं। कितने में खाऊं सूखी सूखी चीजें, पहले सूखा टोस्ट, फिर सूखा ब्रेड। फ्रेंड्स, आप लोग देख ही सकते हैं ना, मैं इतनी मेहनत से जीत रही हूँ सारे राउंड्स को, एंड मजा तो कोई और ही उठा रहा है। नहीं दूंगी मैं, अब मैं इतना मेहनत से जीत रही हूँ तो भगवान जी मुझे अगले राउंड में कुछ अच्छा ही देंगे। फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं अपने थर्ड राउंड की ओर। सो फ्रेंड्स, अब बारी है थर्ड राउंड की, एंड आप लोग देख ही सकते हैं थर्ड राउंड में हमने लिया है यहाँ पर 3 बॉल और 1 कैप। सो फ्रेंड्स, मैं 1 कैप को किसी एक बॉल में कुछ ऐसे रखूंगी एंड बाद में इसे मैं पूरा सफल कर दूंगी। एंड फिर आरती को गैस करके बताना है कि वो कैप कौन सा बॉल में है। एंड अगर आरती सही गैस करती है तो वो इस टास्क को जीत जाएगी, एंड अगर गलत गैस करती है तो हर बार की तरह मैं इस टास्क को जीत जाऊंगी। फ्रेंड्स, भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। तो चलिए देखते हैं कि आरती जीतती है या फिर मैं। सो आरती, तैयार हो? So, ये रहा कैप, अब मैं इसमें डालती हूँ। So friends, मैंने फाइनली इसे काफी ज्यादा सफल कर दिया है, तो चलिए अब देखते हैं आरती बता पाती है कि नहीं। तो 3, 2, 1 बताओ इसमें। पक्का? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। सो फ्रेंड्स, देखते हैं आरती टास्क को जीतती है या फिर मैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। चलो कोई नहीं, हर बार एक ही आदमी थोड़े जीतेगा, कभी कभी इसका भी नसीब इसका साथ दे ही देता है। सो फ्रेंड्स, इस टास्क को जीता है आरती ने, तो कोई महान काम नहीं किया है मेरे ख्याल से। अरे कहना क्या चाहते हो? तो चलिए फ्रेंड्स, अब आरती को मौका मिलेगा चीट सेलेक्ट करने का। सो आरती, लो पहले तुम चीट सेलेक्ट करो ये। सो फ्रेंड्स, चलिए मैं भी सेलेक्ट कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, हमने अपना अपना चीट सेलेक्ट कर लिया है, तो चलिए सबसे पहले आरती को ही खोलने देते हैं क्योंकि उसने इस टास्क को जीता है। और अगर आप इस बार पहली का सही जवाब जानते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। सो आरती, पढ़ो अपना। सो फ्रेंड्स, क्या आपने इस पहेली को गैस कर पाया? ये है सर्कल। सो फ्रेंड्स, आरती का तो आया है सर्कल, तो चलिए अब मैं देखती हूँ
मेरा कौन सा आया है। सो मेरी जो पहली है वो है मैं हूँ आयत। जैसे लंबा कोई मेज, मेरी चार भुजाएं, मैं हूँ आयत। फ्रेंड्स आपने गेस कर पाया, फ्रेंड्स आयत यानी रेक्टेंगल। सो फ्रेंड्स मेरे पास आया है रेक्टेंगल एंड आरती के पास आया है सर्कल। तो चलिए देखते हैं कि हमारे पास फूड आइटम में कौन सा जो फूड है वो हमें मिलता है। सो फ्रेंड्स हमारे पास हमारा फूड आइटम आ चुका है, तो देखते हैं किसके पास कौन सा फूड आता है। सो 3, 2, 1 स्टार्ट। सो फ्रेंड्स मुझे आया था रेक्टेंगल यानी आयत, जिसमें मुझे मिला है ये कच्ची मैगी एंड आरती को मिला है सर्कल में टोमेटो। सो दोनों के लिए ये राउंड था कुछ अच्छा नहीं हुआ एंड मेरी ये ट्रायंगल शेप की मैगी भी टूट चुकी है। मैंने आरती को कहा था कि अच्छा से लाना, ये ट्रायंगल होना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स ये ट्रायंगल ही आप लोग देख सकते हैं, बट मुझे कच्ची मैगी अच्छी लगती है एंड मैं कभी-कभी कच्ची मैगी खा भी लेती हूं, अच्छी लगती है। आप में से भी बहुत सारे लोग कच्ची मैगी खाते होंगे, किनको किनको कच्ची मैगी पसंद है कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। तो फिलहाल मैं इसे मसाले डालकर खाऊं या ना? नहीं, डालकर ही खाती हूं। मुझे पता है फ्रेंड्स ये चैलेंज खत्म हो जाएगा बाद में, ये मसाला खुद ठूस लेगी, इसलिए मैं इसे ठूसने नहीं दूंगी। चलिए मैं इसमें थोड़ा सा मसाला डाल देती हूं। हां जी थोड़ा सा बॉईल करके ला दो ना। नहीं तो चलिए मैं अपनी मैगी एंजॉय करती हूँ एंड आरती अपनी टोमेटो। आरती मैं तुम्हें एक आइडिया देता हूँ, देती हूँ तुम ये ना इस मसाले के साथ खाओ, कैसा रहते नहीं अच्छा। सो फ्रेंड्स चलिए बढ़ते हैं अपने फोर्थ राउंड की ओर। तो फ्रेंड्स अब आ रही है लास्ट यानी फोर्थ राउंड की एंड फोर्थ राउंड में हम लोग जो टास्क करेंगे वो है रॉक पेपर सीजर एंड हम 3 बार रॉक पेपर सीजर करेंगे एंड जो ज्यादा बार जीतेगा वो हो जाएगा इस राउंड का विनर। एंड अगर मैं होंगी तो मैं इस चैलेंज की विनर हो जाऊंगी ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली। एंड अगर आरती जीतेगी तो आरती और मेरे बीच क्या हो जाएगा, टाई। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि इस राउंड को कौन जीतता है। सो रॉक पेपर सीजर मैं जीत गई, किसे रॉक पेपर सीजर आरती जीत गई। सो फ्रेंड्स लास्ट देखते हैं कौन जीतता है एंड इसी के साथ हमारा ये चैलेंज जो होगा वो डिक्लेयर होगा। सो रॉक पेपर सीजर रॉक पेपर सीजर। सो फ्रेंड्स इसी के साथ आप लोग देख ही सकते हैं मैं इस चैलेंज को भी जीतती हूँ और इस राउंड को भी जीतती हूँ। चीट सेलेक्ट कर लेती हूँ, सो मैं ये वाला चीट सेलेक्ट करती हूँ एंड आरती लास्ट क्या सेलेक्ट करेगी लास्ट भी बचा था। तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले मैं खोलती हूँ एंड देखती हूँ कि इसमें कौन सी पहली है एंड अगर आप जवाब जानते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। सो ये बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स, मैं हूँ पतंग बिना पंखों का उड़ता हूँ, रंग बिरंगों का होता हूँ, मैं हूँ पतंग। सो फ्रेंड्स क्या आपने इस शेप को गैस कर पाया। फ्रेंड्स पतंग यानी ये है काइट से। सो फ्रेंड्स मुझे आया है काइट से। तो चलिए अब देखते हैं कि आरती को कौन सा शेप आया है। सो देखते हैं फ्रेंड्स, अगर आपको जवाब पता है तो जरूर बताइएगा। सो फ्रेंड्स क्या आपने गैस कर पाया, ये है शंकु यानी कोन। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि मुझे काइट में और आरती को कोन शेप में कौन सा फूड आइटम आता है। सो फ्रेंड्स हमारे पास हमारा फूड आइटम आ चुका है, तो चलिए देखते हैं कि किसे कौन सा फूड मिला है। सो 3, 2, 1 सो फ्रेंड्स मेरे पास आया था काइट शेप एंड काइट शेप में आप लोग देख सकते हैं मम्मा ने यहां पर कोई सॉस दिया जो कि काइट शेप की है, उतनी अच्छी नहीं बनी बट ठीक है। एंड आरती का था कोन एंड आरती को कोन में आया है ये जो बहुत ही हम लोग खाते हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स कि ये कौन सा सॉस है, मस्टर्ड सॉस तो नहीं, ये तो तीखा है फ्रेंड्स, ये चिल्ली सॉस। फ्रेंड्स आप लोग मुझे ना
कमेंट में जरूर बताइएगा कि इस चैलेंज को किसने ज्यादा एंजॉय किया, मैंने या फिर आरती ने। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आप सभी को आज का हमारा ये इंटरेस्टिंग सा चैलेंज वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स, अगर आप सभी को आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और हाँ गाइस, अगर अभी तक मेरे इस YouTube चैनल इंस्पिरेशन गर्ल भारती को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वेट क्या करे हो गाइस, जल्दी से सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। और अगर आप सब मुझसे बहुत सारी बातें करना चाहते हैं तो आ जाओ इंस्टाग्राम पर, फॉलो कर लो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को जो की है @inspirationgirlbharti, या फिर आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, नमस्ते।